पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रदेश में हो रहे शराब रजिस्ट्री घोटाले व रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे आवारा सांडों को लेकर खट्टर सरकार को घेरते हुए अनेकों कांग्रेसियों की मौजूदगी में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा, भाजपा खुद एक नालायक औलाद है और सांडों की सरकार है। शराब घोटाले पर कहा, भाजपा के दो वरिष्ठ मंत्रियों को इस्तीफा देकर अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूर्व मंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस सरकार को शराब बेचने से ही फुर्सत नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो दोषियों को अभी तक सजा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे रजिस्ट्री घोटालों की सरकार अगर निष्पक्ष जांच करवाए तो कई बड़े मगरमच्छ जाल में फंस सकते हैं, जो बिना लिए दिए अपनी कलम ही नहीं चलाते। उन्होंने कहा कि बुधवार को रेवाड़ी में दो सांडों की लड़ाई में एक शख्स की जान चली गई, जिसके परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा मिले। जिले में और गौशालाओं की व्यवस्था हो ताकि लोगों को यमराज रूपी इन आवारा पशुओं से मुक्ति मिल सके। आज पूरे देश भर में कांग्रेस जो है हर जिला मुख्यालय पे और हरियाणा के हर मुख्यालय पे प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें तमाम हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, जितने भी हैं और जो हमारी मेन कांग्रेस है, मिलकर जो है जो शराब घोटाला हुआ है उसको एक SIT इन्होंने गठित की थी, उसके अंदर किसी को भी इन्होंने दोषी नहीं ठहराया। वो केवल खाना पूर्ति हुई है क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट ने मदद नहीं करी और हम चाहते हैं इसकी CBI की जांच होनी चाहिए ताकि दोषी एक व्यक्ति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से SCT ने जो है केवल एक व्यक्ति विशेष का नाम ले दिया, ऐसे नहीं होगा। आप इसके अंदर जो मोटी मोटी मगरमच्छ हैं उनको नहीं पकड़ा इन्होंने अब तक। आप देखिए COVID-19 जो है लोग मर रहे हैं कि शराब बेच रहे हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। फिर आप देखिए रजिस्ट्री के अंदर पैसे दो रजिस्ट्री कराओ बगैर NOC के, बगैर उसके। तो ये जो मामला है किसान की आज हालत ऐसी माड़ी हो गई है कि राजस्थान से जो आती हैं गायें 50 सांड अगर छोड़ जाती हैं एक बारी में, एक खेत में घुस गया तो किसान के तो मामला खराब हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये कि नरमा के लिए खरीद की बात है, उसमें कुछ नहीं किया। 75% आरक्षण कहते हैं हम यहाँ के नौजवानों को देंगे, कब लागू कराएंगे भाई? उसमें आरक्षण करेंगे नहीं करेंगे? SC BC जो OBC बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उसके बारे में कोई इनकी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, यहाँ टोटल लूट और झूठ की सरकार है। कैप्टन साहब, अभी कल जो आवारा सांड ने एक शख्स की जान ली, उसके बारे में हमने स्पेशली तौर पर हमने इसमें लिखा है कि जो संजय वर्मा है उसको 10 लाख रुपए कम से कम सरकार को देने चाहिए। और ये जो आवारा सांड हैं, चाहे गाय हैं, इनको गौशाला में गालो भाई। आपके पास जो है संसाधन है, आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते? कि आज तक ना हॉस्पिटल बनाते हैं, रेलवे को ये बेच रहे हैं, हैं सब कुछ बेच देंगे। एक नालायक जो बेटा होता है ना अपने पिता की पूर्वजों की संपत्ति को बेच देता है। ये BJP नालायक सरकार है, ये नालायक औलाद है जिसने इस देश की जो रेलवे को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, बहल को बेच रहे हैं, HMT को बेच रहे हैं, BSNL को बेच रहे हैं, क्या करेंगे देश के साथ? जल भराव की स्थिति है पूरे शहर के अंदर, मानसून का मौसम है। जल भराव तो होगा ही, वो तो बारिश होती है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके लिए इनको अपना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लगाना चाहिए। कप्तान साहब, 2 बार नगर परिषद ने टेंडर किया था पशुओं का, हाँ, उसमें पैसे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वैसे की वैसी है। तो पैसे दिए तो गए कहाँ पे? मेरी कल DC साहब से बात हुई थी, उनने आज यहाँ आना था, CTM साहब आए हैं, हमें कोई दिक्कत होने पर हम चाहते हैं कि ज्ञापन दें। मेरा कोई वो नहीं है कि केवल DC साहब ही आए, उनको मैंने कल फ़ोन पे बता दिया था कि एक बच्चा जो है आवारा सांड से मर गया। एक ही नहीं, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ टूटेगी, यानी पुलिस वाले भी क्या करें? अब सांडों का आगे कौन किसकी चले, यहाँ सारे सांड हैं, सरकारी सांडों की है। शराब घोटाले को लेकर आप जहाँ बात कर रहे हैं तो दो मंत्रियों में ठनी हुई है, दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या कहेंगे? भैया देखो, मैं चाहता हूँ दोनों इस्तीफा दे दें जी।
और फिर अपनी जांच करवाएं, तब पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। थैंक यू। ठीक है, चलिए।